हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल होप ऑल आर फाइन। सब अच्छे हैं। सो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम दिस वीडियो इज कमिंग टुडे फाइनली, बट स्टिल थैंक यू एवरीवन फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। दिस इज योर चैनल। फॉर लाइकिंग द वीडियोस, फॉर कमेंटिंग on videos, for sending WhatsApp requests for different types of new concept videos, right? Thank you so much. सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत दिन का बाद, बड़े दिन का बाद ये वीडियो आ रहा है आज कुछ प्रॉब्लम के लिए। फिर भी चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोज़ को लाइक करने के लिए, वीडियोज पे कॉमेंट करने के लिए, और खास करके कमेंट में, व्हाट्सएप में अलग अलग वीडियो के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, राइट? सो वेलकम टू योर चैनल लर्निंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट कंसेप्ट, डिफरेंट टॉपिक। आज का जो वीडियो है इट्स लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल वीडियोज। आज कुछ अलग हम सीखेंगे। सो वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू टूडे। एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यू कंसेप्ट एंड दैट इज द क्लीन एजेंट फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। सो प्लीज बी With me till the last of video, मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहिए and learn some new things, कुछ नया चीज सीखिए and मेरे साथ बने रहिए video last तक। So clean agent fire protection system is the best fire protection system right now। आज के तारीख में जितना प्रकार का fire protection system होता है, fire extinguisher ले लो या और कुछ भी ले लो, सबसे बेस्ट क्लीन एजेंट फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। फ्रॉम वाटर, फ्रॉम राइप केमिकल पाउडर, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रॉम एवरीथिंग, क्लीन एजेंट इज द बेस्ट फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। एंड क्लीन एजेंट फायर प्रोटेक्शन सिस्टम कम्स इन थ्री वेरिएंट्स। तीन प्रकार का होता है ये क्लीन एजेंट फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। नंबर वन, इट कम्स इन एक्सटिंग्विशर्स। नंबर टू, कम्स इन माउंटेड सीलिंग माउंटेड ऑटोमेटिक एक्सटिंग्विशर्स, एंड ऑल्सो इट कम्स इन सप्रेशन सिस्टम्स। तीन प्रकार होता है ना, एक फायर एक्सटिंग्विशर होता है 2 किलो, 6 किलो, 9 किलो वाला फायर एक्सटिंग्विशर, या ऊपर में जो सीलिंग में लटका हुआ माउंटेड फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, हम FM 200 भी कहते हैं, राइट? नेक्स्ट, सप्रेशन सिस्टम आता है जिसके लिए एक अलग सा NF रूम होता है या NDF रूम होता है, वहां पे एक सप्रेशन सिस्टम का फिक्स किया जाता है। तीन वेरिएंट में आता है क्लीन एजेंट फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। तो हमको आज जानना है डिटेल क्लीन एजेंट क्या होता है, क्लीन एजेंट में क्या इस्तेमाल किया जाता है, उसमें से कौन सा बेस्ट है। तो एक क्लीन एजेंट फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में बेस करके बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स और मटेरियल्स इस्तेमाल किया जाता है। नंबर वन FM 200, नंबर टू नोबोक 1230, राइट? सो क्लीन एजेंट फायर एक्सटिंग्विशर्स का दो इक्विपमेंट होता है। कभी कभी FM 200 क्लीन एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं कहीं पे नोबोक 1230 व 1230 का जो क्लीन एजेंट फायर प्रोटेक्शन सिस्टम यूज किया जाता है। सो व्हाट इज FM 200, व्हाट इज नोबोक 1230, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन देम, एंड व्हिच वन इज द बेस्ट, वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, राइट? राइट, सो टू टाइप्स ऑफ क्लीन एजेंट्स आर देयर, नंबर वन FM 200 एंड नंबर टू नोबोक 1230, राइट? बट इन FM 200 there are three variants within it, FM 200 or Nobok 1230, ye dono hote hain clean agent fire protection system,
लेकिन FM 200 भी तीन टाइप का होता है, हेलन 1301, HFC 227 EA और HFC 125, ये उनका स्टैंडर्ड होता है। दीज आर द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ FM 200, क्लियर? बट नोबक 1230 हैज नो सबसिक्वेंट नो सब स्टैंडर्ड, दैट इज नोबक 1230 ओनली, क्लियर? सो FM 200 हैज थ्री वेरिएंट्स एंड नोबक 1230 हैज नो अदर वेरिएंट्स, इट्स ओनली नोबक 1230, राइट? So these both clean agents are prepared as per the National Fire Prevention Association Act, जो NFPA Act होता है उसी हिसाब में इसको बनाया गया है, और इसका खास इस्तेमाल किया जाता है critical electrical fire protection के लिए, right? So for critical electrical fire protection we are using the clean agent, and it is both the clean agents NOBOK 1230 and FM 200 prepared as per the National Fire Prevention Association standard. Both are very expensive also, inka daam bhi bahut hai, right? Coming to the next, I told you these are used for critical electronic fires, especially these are used in server rooms, hub rooms, communication rooms, right? These are critical areas, server rooms, hub rooms, electrical rooms, hub rooms. This critical, in these critical areas, basically NOBOK 1230 or FM 200 clean agents are used in different format. They are used, right? Right. So coming to the next part. So we learned that there are three formats. But extinguisher is a small material, 2 kg, 3 kg, 6 kg, 9 kg, इतने में से बड़ा फायर को कंट्रोल नहीं कर सकते। We cannot control a huge fire by using fire extinguisher, a single extinguisher, two extinguisher or three extinguisher. If there is a fire in a critical area, जब critical area में आग लग गया, so best is suppression system. First one is extinguisher, that is automatic, manually to be used, but second and third, both ceiling mount and suppression system both are automatic and they will be operated automatically. Ceiling mounted extinguisher also comes in 9 kg, 10 kg or maximum 20 kg format, but the suppression systems are 50 kg, 100 kg in the bigger size. So the best clean agent size is the suppression system to control the huge mass. But our fire rocking ke liye ye hamara सबप्रेशन सिस्टम ही बेहतर है, राइट? ओके, तो हम अभी जानेंगे ये दोनों को यूज करने में क्या फायदा, FM 200 हो या NOBOK 1230 हो, क्लीन एजेंट को इस्तेमाल करने में क्या फायदा है, बड़ा डैमेज नहीं होता है, फायर को जल्द कंट्रोल कर लेता है, जब बड़ा डैमेज नहीं होता है फायर को जल्द कंट्रोल कर लेता है तो आग का वजह से नुकसान कम होता है, लॉसेस आर वेरी लेस एंड यू कैन रिज्यूम योर बिजनेस क्विकली, दोबारा ऑफिस जल्द चल सकता है। मैं जैसे बोला इसका ज्यादातर एप्लीकेशन कंप्यूटर रूम्स, डाटा सेंटर्स, टेलीकम्युनिकेशन सूट्स, टेप स्टोरेज लाइब्रेरी, ओके, टेलीफोन साइट, सर्वर रूम, सर्वर फार्म, रेडियो केबल स्टेशन, तो वेरी क्रिटिकल इलेक्ट्रिकल फायर का संभावना जहां पर है वहां पर इसका इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है, राइट? These are safe for people, fast acting, efficient performance भी देता है, ज्यादातर बड़ा damage कुछ नहीं करता है, ठीक है, ये बहुत होता है अच्छा, right? तो हम जानेंगे ये कैसे काम करता है, how it works. इसमें पांच department रहता है काम करेंगे, it works automatically, ये automatically काम करता है, लेकिन automatically काम करने के लिए इसका पांच department रहता है, number one, फायर डिटेक्शन सिस्टम, नंबर टू, कंट्रोल इंडिकेटिंग पैनल, जो पैनल होता है इसका अलग सा पैनल होता है, नंबर थ्री, एजेंट का सिलेंडर, भाई ये जो क्लीन एजेंट है इसका सिलेंडर होता है, देन डिस्ट्रीब्यूटिंग पाइप्स होता है, देन फाइनली डिस्चार्ज करने वाला नोजल्स होता है। फाइव, प्लीज नोट, आपको जरूरत पड़ेगा इन फ्यूचर, आप कोई बड़ा मैनेजर पोस्ट ले जाते हैं या कोई हायर पोस्ट ले जाते हैं तो वहां पे सवाल आता है, तो ये जो क्लीन एजेंट फायर सप्रेशन सिस्टम का क्या क्या पार्ट होता है, राइट? टोटल
ये फाइव पार्ट्स में इसको बांटा गया है राइट। जिसमें आपका पहला पार्ट रहेगा क्या, डिटेक्शन सिस्टम, तो मतलब स्मोक डिटेक्टर वगैरह रहेगा जो डिटेक्ट करेगा फायर। दो रहेगा कंट्रोल, जो पैनल कंट्रोल करेगा। तीसरा एजेंट सिलेंडर, जिसमें हमारा रहेगा क्या, क्लीन एजेंट रहेगा। देन हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें इसका माध्यम में जाएगा क्लीन एजेंट, ये पाइप वगैरह होता है। देन फाइनली डिस्चार्ज नोजल, जिस नोजल का माध्यम में क्लीन एजेंट बाहर निकलेगा और आग को कंट्रोल करेगा राइट। नेक्स्ट देखते हैं और क्या, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में हम आ गए हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। दोनों से क्या बेस्ट, क्लीन एजेंट बेस्ट है या सॉरी एफएम 200 बेस्ट है या नोबोक बेस्ट है? तो आज ऑफ माय कंसर्न नोबोक बेस्ट है। एफएम 200 कॉस्टली, कॉस्ट वाइज थोड़ा कम है नोबोक 1230 से। नोबोक 1230 कॉस्टली है, लेकिन आज ऑफ माय कंसर्न मेरा हिसाब में नोबोक 1230 बेस्ट है। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, जिसमें पहला है नोबोक 1230, देन जो है हमारा FM 200 का तीन वेरिएंट है, हैलोन 1231, 1301, HFC जो 227 ये होता है, और HFC 125, ये तीनों वेरिएंट है। तो एक क्लीन एजेंट बेस्ट है बोल के हमको किसी प्रॉपर्टी से, कौन सा प्रॉपर्टी से पता चलता है, ये तीनों से। और एक हो गया ODP, दूसरा हो गया GWP, तीसरा हो गया लाइफ टाइम, एटमोस्फियरिक लाइफ टाइम। क्लियर? ओडीपी, ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल जिसको बोलते हैं, ओडीपी मतलब ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल जिसको बोलते हैं। तो मतलब आपको ओजोन लेयर के बारे में मालूम होगा, यू नो एवरीवन नोस ओजोन लेयर व्हिच इज अबव द एनवायरनमेंट, वायुमंडल का ऊपर रहता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर नहीं होगा तो सनलाइट में जो अल्ट्रा वायलेट रहता है वो हमारे ऊपर डायरेक्ट पड़ेगा और हमको स्किन कैंसर वगैरह होने का चांसेस। तो सनलाइट पे अल्ट्रा वायलेट रे को फिल्टर करता है ओजोन लेयर, नहीं एवरीवन नोस देयर इज द ओजोन लेयर ऑन एयर एंड इट फिल्टर्स द अल्ट्रा वायलेट रे व्हिच कम्स फ्रॉम द सन राइट, एंड इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम स्किन कैंसर राइट। तो ये ओजोन लेयर को डैमेज कितना करता है, पहले इसमें ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल, ओजोन को ओजोन लेयर में छिद्र करने के लिए, ओजोन लेयर को डैमेज करने के लिए कितना इसका पार्टिसिपेशन रहता है। नोबोक बिल्कुल नहीं करता है, हलोन तो करता है, HFC 227 ये नहीं करता है, HFC 125 करता है। हॉलन बहुत पुराना FM 200 है, बाकी जो अपडेटेड दोनों है वो नहीं करते। देन दूसरा पार्ट में आता है GWP, उस जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो मतलब आपको मालूम होगा कि दुनिया में गर्मी बढ़ते जा रहा है, जिसका वजह से ग्लेशियर पिघल रहा है और समुद्र का पानी बढ़ रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए इसका कितना योगदान है, लोगों का बहुत कम रहता है एक भाग, लेकिन हलोन और बाकी जो दो वेरिएंट होता है FM 200 का, इस ये लोग ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, ज्यादातर यूज नहीं होता है, फिर भी जब आग लग गया और इनका यूज हुआ तो ऑटोमेटिकली ग्लोबल वार्मिंग का ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगा राइट। लेकिन नोबोक 1230 एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ये बिल्कुल नहीं डालता है, GW का ऊपर प्रेशर नहीं डालता। तीसरा हो गया एटमोस्फियरिक लाइफ टाइम, साल में जब ये नोबोक 1230 जब ये क्लीन एजेंट गैस बाहर निकलेगा तो हवा में कितना साल रहेगा, एयर में जिंदा रहेगा। तो नोबोक 1230 बहुत कम, ये 0.14 ईयर्स, मतलब एक साल भी नहीं, बहुत कम, एक महीने से भी कम रुकता है हवा में। लेकिन हेलोन 65 साल, HFC 227 ये 33 ईयर्स, तो HFC 125 29 साल तक ये हवा में जिंदा रह सकता है, तो इनका लाइफ टाइम ज्यादा रहेगा एयर में। ये तीनों हम देखें तो ODP, GWP और एटमोस्फियरिक लाइफ टाइम, इस सब हिसाब में देखें तो एनवायरमेंटली जो एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी होता है नोबोक 1230 में। बाकी तीनों जो हलोन, HFC का जो दो वेरिएंट है, ये FM 200 तो होते हैं, आपको रोकने में सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन इनका असर रहता है एनवायरमेंट का ऊपर। जो कंपनी, खास करके जो कंपनी हमारा एनवायरमेंटल सेफ्टी सर्टिफाइड है और
एनवायरमेंटल सेफ्टी के लिए काम कर रहा है उनके लिए शायद बुरा होगा FM 200 यूज करना। सपोज आपका कंपनी स्ट्रॉन्गली एनवायरमेंट सेफ्टी को फॉलो कर रहा है, ISO सर्टिफाइड है, एनवायरमेंटल सेफ्टी फॉलो करने का वजह से ISO सर्टिफाइड है और ISO का रूल्स फॉलो कर रहा है, ऑडिटिंग हर साल हो रहा है, तो उनके लिए NOVOC 1230 बेस्ट रहेगा। और सेफ्टी मार्जिन का वजह से हम देखेंगे तो भी NOVOC 1230 बेस्ट है, राइट। तो उसमें से कोई केमिकल निकलता है क्या? देखिए इस प्रकार का सवाल आए तो ज्यादातर NOVOC 1230 से जब कुछ होता है उसका असर बहुत कम रहता है, लेकिन जो हमारा रह गया बाकी FM 200 उसका सेफ्टी मार्जिन देखे तो सेफ्टी मार्जिन थोड़ा कम है, लेकिन NOVOC 1230 का सेफ्टी मार्जिन बहुत अच्छा है। तो खाली सेफ्टी मार्जिन नहीं, हम एनवायरमेंट को बचाने का नजर से और सुरक्षा का नजर से देखेंगे तो NOVOC 1230 बेस्ट है, लेकिन यूज किया जाता है दोनों, बोथ FM 200 एंड 1230 NOVOC यूज किया जाता है, लेकिन एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड सेफ्टी मार्जिन का दृष्टिकोण से देखेंगे तो NOVOC 1230 अच्छा है, लेकिन कॉस्टली है। हम बोल सकते हैं कि ये तो ग्लोबल वार्मिंग का ऊपर असर कब डालेगा, जब निकलेगा, आज तो लगता नहीं है, जब भी निकलेगा इसका हाथ रहेगा ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए, ओजोन लेयर में होल करने के लिए रहेगा, तो इसीलिए ज्यादातर एनवायरमेंट को बचाने का कोशिश करने वाला कंपनी और एनवायरमेंटल सेफ्टी सर्टिफाइड ISO सर्टिफाइड कंपनीज NOVOC 1230 को ही यूज करते हैं, राइट। तो आज का वीडियो इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। तो इस सेक्टर में काम करने वाले दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए इस वीडियो को, और कुछ जानना चाहिए NOVOC 1230 के बारे में, FM 200 के बारे में, आप प्लीज मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, प्लीज टेक केयर।